फिरोजाबाद, चार पहिया और दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गैंग के चार शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग का सरगना हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र भी गिरफ्तार, एक दर्जन से अधिक है धर्मेंद्र पर मुकदमे। दो कार, एक मोटरसाइकिल, अवैध असलाह व कारतूस बरामद। वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही थी, जिसके चलते थाना उत्तर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने गैंग के साथ मिलकर कारों और मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं। इस गैंग के सरगना धर्मेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इन सभी ने दो इको कार हाथरस से चुराई थी। इन चोरी की वारदातों में एक कबाड़ी भी शामिल है, जो कि चोरी की गाड़ियों को काट कर बेचा करता है। अभी वह फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र का कहना है कि कबाड़ी के पकड़ते ही अन्य चोरी की घटना का भी खुलासा होगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पकड़े गए बदमाशों से दो इको कार, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए, थाना उत्तर, थाना रामगढ़, सर्विलांस एवं एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक एचएस धर्मेंद्र नाम का और इसके अतिरिक्त तीन अन्य शातिर वाहन चोर हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और इनकी निशानदेही से दो चोरी की इको और एक चोरी की दोपहिया वाहन बरामद हुई है। अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। इन सबको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो एचएस है उसके पास लगभग 12 मुकदमे हैं और अन्य अपराधियों पर भी 3 मुकदमे लगभग हैं। तो इस तरह ये एक अच्छी कार्रवाई है। इसमें एक कबाड़ी भी है जिसकी तलाश जारी है और संपूर्ण खुलासा शीघ्र ही किया जाएगा। सर, एसटी शीटर, इसका कोई इनाम था या पहले से कुछ ऐसा कुछ समझ? नहीं, कोई इनाम नहीं था इस पर, लेकिन इधर ये अच्छी कार्रवाई हुई है, इसमें और खुलासा किया जाएगा।